बोल्ड कुरुक्षेत्र आर्मी एक्सरसाइज होती है सिंगापुर के साथ नेसेट है यूनिकैमरल पार्लियामेंट इसल का लॉर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था वेस्ट बंगाल में है जल्दापारा नेशनल पार्क सिल्वर टंका और कॉपर जितल कॉइन इंट्रोड्यूस्ड इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत आज के सवाल है which institution releases the state of the economy report what is the theme of the international day of families 2021 as per world bank's migration and development brief migration and development brief which country registered the highest remittances remittances मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री लोग एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं और वहां से वो जब घर अपने पैसा वापस भेजते हैं

डिलीवर होगा इंडिया को बाय विच कंट्री सो दीज आर सिक्स क्वेश्चंस फॉर टुडे आज की vocabulary है कॉर्पुलेंस मतलब मोटापा ये भी एक बहुत बड़ी महामारी बन के उभर रहा है ओबेसिटी प्रोजेनी प्रोजेनी का मतलब होता है बच्चे चिल्ड्रन ऑफ स्प्रिंग एक्सटॉल एक्सटॉल का मतलब होता है बहुत तारीफ करना टू गिव टू गिव ग्रेट प्रेज सुपरलेटिव सुपरलेटिव का मतलब होता है अतिशोक्ति ऑफ द हाइएस्ट काइंड और डिग्री जैसे अतिशोक्ति अलंकार होता है आगे नदियाँ पड़ी अपार कैसे घोड़ा उतरे उस पार राणा ने सोचा इस पार तब तक था चेतक उस पार हनुमान की पूछ पे लगन न पाई आग लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग वॉट इज दिस दिस इज सुपरलेटिव अतिशोक्ति इंसिडेंटल का मतलब होता है एक्सट्रेनियस है अनएक्सपेक्टेड है incidental incidental prime minister so these are some vocabulary words if you come across any other important word write down that word along with its meaning in the comment section down below aaj ke topics hain covid 19 updates dekhenge abhi cyclone aaya tha taute ab ye dusra cyclone brew ho raha hai jiska naam hai yas ये, ये फ्लक्चुएशन शुगर केन क्रॉप आज हम शुगर केन के बारे में जानेंगे बेस्ट स्टॉप क्रॉप ग्रोथ प्रोडक्टिविटी कैसी है? इंडिया का मैप ग्रोइंग एरिया और ये सवाल भी प्रिपेयर करेंगे दिस इज मिस्टर नरसिम्हन मैथ साइंटिस्ट इज नो मोर एयर इंडिया का डेटा ब्रीच हुआ है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे अब कॉल फॉर एक्शन टू प्रोटेक्ट ओडिशा ट्राइब ये है पी वी टीजी पी वी टी जी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप इनकी डेफिनेशन क्या होती है नंबर्स क्या है विल गेट टू नो दिस इज अबाउट हाइब्रिड रेस जैसे हमारे यहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ प्रोडक्शन बढ़ाया हमने प्रोडक्टिविटी ऐसे ही फादर ऑफ हाइब्रिड राइस चाइना में वर्ल्ड फूड प्राइस भी आपको मिला था विल गेट टू नो आज संडे है एडिटोरियल नहीं आते हैं आर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्नैपशॉट ब्रिक्स सैटेलाइट्स एस्ट्रोनॉमी दिस इज इंडिया क्रॉप्स आइडेंटिफाइंग म्यूटेंट जॉब्स का क्राइसिस और ये है नॉर्ड स्ट्रीम एंड नॉर्ड स्ट्रीम टू गैस पाइपलाइन देन हिंदी में आज हम देखते हैं इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है फास्टैग और दिस ई वे बिल इसका दोनों का कंबाइन किया है एकीकृत एक प्रणाली हिंदी में हम देखेंगे देन का सॉल्यूशन है और कुछ सवाल है सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनटरियल इज दिस द हिंदू संडे दिल्ली एडिशन ये फ्रंट पेज है ओवर टू लैक फ्रेश केसेज इन लास्ट ट्वेंटी फोर आवर जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो 14.2 परसेंट पे डिक्लाइन भी हुई है तो सम रिलीफ है बट अभी भी हम आउट ऑफ वुड्स नहीं है डोंट ड्रॉप द गार्ड्स ये शॉर्ट काउंट है कोविड 19 वैक्सीनेशन भी अभी बहुत स्पीड से नहीं चल रहा है वाई बिकॉज वैक्सीनेशन का शॉर्टेज है और 18 प्लस को अभी प्रायोरिटी इतनी नहीं मिल रही है ऑल ओपन हो गया है प्रायोरिटी अभी भी 45 प्लस वैक्सीनेशन की ज्यादा है सेंटर गिविंग प्रायोरिटी टू दो फोर्टी फाइव वॉर शॉर्ट एटीन मिलियन स्पुतनिक के डोजेज अगस्त तक आ जाएंगे वैक्सीनेशन का शॉर्टेज है रैंप अप करने की ज़रूरत है प्रोडक्शन जब कोविड होता है तो अगर स्टेरॉइड्स ज़्यादा लिए हैं डायबिटीज जैसी चीजें है अगर कोमोर्बिडिटी है तो वहाँ पर ये म्यूकोर माइकोसिस के केसेस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं और गुजरात इमर्जेज एज अ हॉट स्पॉट सो दिस इज कोविड नाइन्टीन रिलेटेड न्यूज़ अपसी नेक्स्ट जो न्यूज है वो है एट लैख माइग्रेंट वर्कर्स लेफ्ट दिल्ली ऑन स्टेट रन बसेस अपसी कुछ ही दिन पहले हमने देखा माइग्रेशन ज्योग्राफी की जो क्लास ट्वेल्थ की फर्स्ट बुक है उसमें माइग्रेशन बड़े अच्छे से दिया है पुश फैक्टर क्या होते हैं पुल फैक्टर क्या होते हैं ये जो माइग्रेशन है ये टॉपिक इकोनॉमिक्स का तो है ही साथ ही साथ ये ह्यूमन जोग्राफी का भी टॉपिक है सो दिस इज इम्पॉर्टेंट और जब से लॉकडाउन हुआ है फिर सन ऑफ सॉइल थ्योरी भी कुछ राज्यों में हमने देखा तो द पॉइंट इज ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है ना ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि माइग्रेंट क्राइसिस को हम एड्रेस करें जैसे लेबर कोड बिल कल परसों हमने देखा था शॉर्टेजेस शॉर्टकमिंग्स क्या है आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है इनफॉर्मल वर्क फोर्स है और कोई भी पैंडमिक आता है सडनली दे आर आउट ऑफ जॉब और सडनली दे आर पुश्ड इन टू पॉवर्टी सो दिस इज द प्रॉब्लम और इसको एड्रेस करना जरूरी है बिकॉज दिस नंबर इज़ ह्यूज नाइन्टी वन परसेंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज इन फॉर्मल वर्क फोर्स सो वी हैव टू फाइंड सर्टन पॉलिसीज अब जैसे ये हेडिंग होम माइग्रेंट वर्कर तो ये तो पॉलिसी वाला इशू है प्लस कोविड के स्प्रेड का भी खतरा है अब जैसे ये वर्क के बाद वर्कर वापस घर जाएंगे घर से रूरल एरिया में विलेजेस में तो वायरस का स्प्रेड तो ऐसे और ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा और फिर वो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा सो दिस इज द थिंग देन ये सेकेंड न्यूज है गुजरात बिडिंग पेनफुल न्यूज एवरीवेयर दिस इज बेंगोल ये साइक्लोन स्टॉम अभी बन रहा है यास में बिकम अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉम ताउटे का हमने डे वन से कवर किया हैव अ लुक प्रीवियस एंड नोट्स में कि स्टॉम का साइक्लोजेनेसिस क्या होता है कंडीशंस क्या फेवरेबल होती है स्टॉम्स कहाँ समुद्र में बनते हैं और समुद्र से लैंडफॉल होता है उसका जहाँ हम रहते हैं कॉन्टिनेंट में तो ये इंडिया है पहले जो आया था ताउटे वो इधर था अब जो बन रहा है वो बन रहा है बंगाल में उड़ीसा बंगाल कोस्ट इम्पैक्ट हो गई दिस बे ऑफ बंगाल में तो वो बन सकता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉम अब ये भी हमें पता है शुरुआत में लो प्रेशर एरिया होता है फिर वो लो प्रेशर एरिया इंटेंसिफाई होता है कोरियोलिस्ट फोर्स भी लगता है वहाँ पर और ऐसे करके इसकी कैटेगरी अप होती जाती है साइक्लोन की सो so, अभी के लिए ये लो प्रेशर एरिया है इतना सीवियर नहीं है बट कुछ दिनों में ये सीवियर हो सकता है और इसका नेमिंग भी हमें पता है कि साइक्लोन का नाम कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कैसे नाम नेम होता है नामांकरण कैसे होता है सो so, दैट इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए तो ये अभी न्यूज़ है इसको भी लेट्स अभी ये न्यूज आ गया ना पहला नाम आ गया अब धीरे धीरे ये और इसकी न्यूज़ आएगी तो ग्रेजुअली हम इसके बारे में और बात करेंगे दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी पहले ही दिन ओपिनियन और सब कुछ एक ही बार में नहीं देखना चाहिए जैसे जैसे न्यूज डेवलप हो रही है आप उसको इनपुट्स उसको एड ऑन करते जाइए सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू ये सेकेंड है अटी सी कोविड नाइन्टीन इम्पैक्ट एवरीवेयर सेकेंड वेव में फिफ्टी वन पेशेंट्स बींग एडमिटेड एवरी आवर इसीलिए जरूरत है कि जो हॉस्पिटल है इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको स्ट्रेंदन करें इसीलिए जरूरी है कि वैक्सीनेशन लगाएं बिकॉज वैक्सीनेशन में कोविड अगर हो भी गया पर एटलीस्ट हॉस्पिटलाइज या सीवियरिटी नहीं आएगी ऐसा बोला जा रहा है तो गो गेट वैक्सीनेटेड देन दिस इज वैक्सीन कोटा इंक्रीज करें सी सो मैनी डॉक्टर्स ड्यूटी में मॉर्निंग लव्ड वंस पेनफुल देन दिस इज फूड मैट्रस फ्लोटिंग इन सीवेज वाटर ये न्यूज है देन दिस इज अबाउट वेदर फ्लक्चुएशन में ट्रिगर पेस्ट अटैक ऑन शुगर केन क्रॉप इन उत्तर प्रदेश पेस्ट क्या होते हैं ये पेस्ट होते हैं कीड़े मकोड़े ये क्या करते हैं जो स्टैंडिंग क्रॉप होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं जैसे ये पेस्ट का अटैक हो रहा है स्टैंडिंग शुगर केन क्रॉप में शुगर केन क्रॉप कैसी होती है ऐसा होता है दिस इज शुगर केन ये शुगर केन है तो ये जो पेस्ट होगा वो शुगर केन की क्रॉप को अटैक करेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है तो गवर्नमेंट यहाँ पे एडवाइजरी इशू कर रही है अब जैसे एक्सेस मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में डे टू डे फ्लक्चुएशन हो रहा है वेदर में तो ये पेस्ट है जैसे ये पायरिला ग्रास फॉल आर्मी ब्लैक बग ये इन्वेस्ट कर रहा है शुगर केन की क्रॉप को शुगर केन की क्रॉप को अटैक कर रहा है जो लीव्स होती है प्लांट की वो येलो हो जाती है ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस अटैक जो निम्स हैं फाउंड होते हैं अप टू द मिडल ऑफ द लीफ लेट लीफ लेट ऑफ सेंट्रल लीफ एडल्ट और ये निम्स जो होते हैं ये जो जूस है लीव का उसको सब कर लेंगे और इस तरीके से जो शुगर केन का क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा सो द पॉइंट इज दिस इज बेस्ट अटैक केन सीड्स फॉर सोइंग में अभी अब जरूरी है कि एक चीज होती है रेटुन इसमें क्या होता है कि शुगर केन को पूरा काटा नहीं जाता है उसका जो टूट होता है उसको बचा देते हैं और फिर वो वापस ग्रो भी हो जाता है तो उस केस में रेटून क्रॉप में सेकेंड या थर्ड सक्सेसिव क्रॉप में लेफ्ट ओवर इन द फील्ड फ्रॉम द फर्स्ट क्रॉप उधर ये ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को आ रहा है तो इससे प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है अब शुगर केन हम इतने डिटेल में क्यों देखते हैं बिकॉज कुछ क्रॉप्स हैं जैसे वीट हुआ राइस हुआ पल्सेज हुआ ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा डाइटरी इनटेक के लिए और न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी के लिए शुगर केन जैसी क्रॉप है इसका ये कैश क्रॉप भी है और फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी होता है और शुगर शुगर शक्कर शुगर केन से बनती है सो so, शुगर केन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लेवल पे ब्राज़ील एट्सट्रा काफ़ी नंबर वन पे है इंडिया अभी टॉप टू टॉप थ्री में है इंडिया में अगर हम देखें शुगर केन तो शुगर केन के बेसिकली ये तीन बेल्ट हैं सी ये इंडिया का मैप है तीन बेल्ट है शुगर किन का पहला बेल्ट है सतलज गंगा प्लेन जो पंजाब से बिहार में है यहाँ फिफ्टी वन परसेंट ऑफ टोटल एरिया है ऑफ़ कंट्रीज़ टोटल प्रोडक्शन है सेकेंड बेल्ट है ब्लैक सॉइल का बेल्ट महाराष्ट्र से तमिलनाडु के अलोंग ईस्टर्न स्लोप स्लोप वेस्टर्न घाट में ये सेकेंड है साउथ में फिर एक थर्ड बेल्ट है जो कोस्टल आंध्र और कृष्णा वैली में है तो ये तीन प्राइमरली बेल्ट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड जहाँ पर मेजोरिटी शुगर केन का प्रोडक्शन होता है ऑल कुछ स्पॉट्स यहाँ पर भी है ब्रह्मपुत्रा वैली में कुछ यहाँ गुजरात एरिया में भी है बट प्राइमरली दिस इज द एरिया वेयर शुगर केन प्रोडक्शन इज प्रोमिनेंट अपसी शुगर केन में भी सब्सिडी भी होता है शुगर केन में भी इसका गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस सी एस सी पी एट्सट्रा भी होता है सो शुगर केन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपेयर अ नोट ऑन शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया इसमें अब आप शुगर केन से रिलेटेड वट एवर यू गेट टू नो राइट इट डाउन सब आप लिख दो और जो आप लिखोगे ना शुगर केन रिलेटेड एवरी थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से फर्टिलाइजर प्रोसेस कैसे बनता है शुगर केन देन शुगर केन की एम एस पी कैसे डिसाइड की जाती है शुगर केन के साथ चैलेंजेस क्या हो रहे हैं जैसे यहाँ पे सुक्रोज कंटेंट कम है क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है जैसे अभी पेस्ट इन्फेस्टेशन हो गया राइट इट डाउन एवरीथिंग हर साल प्रिलिम्स या मेंस में शुगर केन से रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल आया है सो शुगर केन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्न एज मच एज यू कैन अबाउट दिस शुगर केन प्रिपेयर दिस नोट दिस इज द ओनली क्वेश्चन फॉर टूडे डू इट वेल देन आगे बढ़ते हैं दिस इज अबाउट बाज इधर अकाउंटेबिलिटी अभी सेट करना जरूरी है ये जो ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं ना इसको राइट नाउ कवर नहीं करना चाहिए बिकॉज राइट नाउ इसमें अभी पूरी क्लैरिटी आती नहीं है कि किसका मिस्टेक था किसने गलती किया कैसे हुआ वेट फॉर सम टाइम अभी इस पर इंक्वायरी भी होगी और इसका एक रिजल्ट आएंगे सो so, ये बाज यहाँ पे सेट हुआ है जैसे कल सम पीपल वर सेटिंग गिल्टी की आई की गलती थी या फिर जो शिप का कैप्टन था अभी बहुत सारी थ्योरीज है लेट्स वेट फॉर सम टाइम दिस इज संकन बाज देन एज नो बैरियर है फॉर स्टूडेंट्स टू फोरे इन टू रोबोटिक्स सीखने की कोई उम्र नहीं होती है एज नो बैरियर अगर आप चाहो तो लाइफ टाइम स्टूडेंट भी बने रह सकते हैं और ये होना चाहिए बींग अ स्टूडेंट मतलब यू आर लर्निंग समथिंग यू आर इंक्जिटिवनेस है आप में बींग अ स्टूडेंट इज रियली गुड थिंग एज नो बैरियर फॉर स्टूडेंट्स टू फॉरे इंटू रोबोटिक्स एज इज जस्ट अ नंबर इट इज़ नॉट जस्ट फन बट नेसेसिटी पॉइंट ऑफ एक्सपर्ट्स देर आर सो मेनी एल्डरली पीपल सिक्सटीज में है सिक्सटी फाइव में बट उनमें इतना एंथुजियाजम है वो नई नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं मोबाइल गैजेट्स आ रहा है वो उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं एप्लीकेशन कैसे होता है क्या होता है सवाल पूछते हैं ये चीज़ होती है जो होती है बींग अ स्टूडेंट बींग अ स्टूडेंट स्टूडेंट फॉर लाइफ टाइम लर्निंग हमेशा सीखने की जो प्रवृत्ति होती है उसको बनाए रखना चाहिए एज नो बैरियर पैंडमिक हिट यहाँ पे यूपीएससी एसपायरेंट्स बोल रहे हैं बिकॉज पैंडमिक ने सबको इम्पैक्ट किया है लाइफ को एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटीज को सो दे आर सीकिंग वन मोर चांस दैन दिस इज़ अबाउट सेंटर गिविंग प्रायोरिटी टू दोज अबाउट फोटी फाइव फोर्टी फाइव प्लस को प्रायोरिटी है सी जैसे जैसे एज बढ़ती है ना वैसे वैसे इम्यूनिटी सिस्टम हमारा थोड़ा वीकन हो जाता है सो देट इज़ वाई जो फोर्टी फाइव प्लस हैं इनको रेलेटिवली ज़्यादा चांसेज है कोविड के इम्पैक्ट का ऑल दो सेकेंड वेव में यंगस्टर्स भी मैनी वी लॉस मैनी यंगस्टर्स बट स्टिल फोर्टी फाइव प्लस जो है उनको ज़्यादा रिस्क है तो इसलिए फोर्टी फाइव प्लस को भी शुरुआत में वैक्सीनेशन में ज़्यादा ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया था एक और बात है अब्यूज ऑफ स्टेरॉयड्स कई बार मेडिसिन हम खुद ही ले लेते हैं इसीलिए हमेशा मना किया जाता है सेल्फ मेडिकेशन नहीं होना चाहिए आप डॉक्टर के पास जाओ डॉक्टर एक्सपर्ट है वो आपको बताएंगे क्या करना है कैसे नहीं करना है और हैव लर्न टू हैव सम फेथ तो ये अब्यूज ऑफ स्टेरॉइड है अब इससे दूसरी डिजीजेज होने लग गई है जैसे म्यूकर दिस माइकोसिस ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस एटसेट्रा सो द पॉइंट इज यू शुड लिसन टू डॉक्टर्स खुद से ही ऐसे इलाज नहीं करना चाहिए और बहुत सारी थ्योरीज़ ऐसी आती है जैसे अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे कि वो क्लिनिकली ट्रायल प्रूवर नहीं है जैसे अभी कुछ थ्योरीज चल रही थी कि फैक्ट बेस्ड नहीं है वो कुछ साइंटिफिक थ्योरी ऐसा आ गया रिसर्च लिमिटेड रिसर्च है जैसे स्मोकिंग से ईजी हो जाता है दीज आर ऑल कम्प्लीट नॉन सेंस गारबिश सो इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करना है जो रेगुलर चैनल से आ रहा है दैट इज़ दैट यू शुड बिलीव डिजिटल मीडिया टोल टू रिमूव मेंशन ऑफ इंडियन वेरिएंट ये एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा बन रहा है जैसे सिंगापुर वेरिएंट अभी डिप्लोमेसी का अभी इशू बन गया था सिंगापुर के साथ ये जो वेरिएंट है वायरस है इसको कंट्री के साथ एसोसिएट नहीं करें इस बात पे अभी एक कंसेंसस बनता नज़र आ रहा है ये भी सौम्या स्वामीनाथन मैम ने आइडिया दिया था कि क्यों ना हम इसको जैसे साइक्लोन का नाम दिया था अभी जैसे ये साइक्लोन आया ऐसे ही वेरियंट्स का भी नाम दे दें एक यूनिक नाम दे दें जो कंट्रीज की सेंसिटिविटीज को भी ध्यान में रख के दें इंश्योर करें सप्लाई ऑफ दिस मेडिसिन दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट अक्यूट शॉर्टेज नहीं हो मेडिसिन जो हो उसका रेगुलर सप्लाई होना जरूरी है नेगेटिव रिपोर्ट इज नॉट द एंड ऑफ प्रॉब्लम रिकवरी में भी पोस्ट रिकवरी भी काफी ट्रबल्स होती है टेस्ट पॉजिटिविटी रेट ड्रॉप हुआ एयर इंडिया डेटा ब्रीच में पोज लीगल रिस्क अब क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है उसका पेमेंट गेटवे है एटसेट्रा अब एयर इंडिया का था डेटा तो बहुत सारे इसके जो यूजर्स थे पिछले टेन ईयर समथिंग के कोई करीब फोर्टी फाइव लैक डेटा सब्जेक्ट्स थे टेन ईयर पीरियड का उनका डेटा लीक हो गया अब द पॉइंट इज इस डेटा लीक होने का जो टाइमिंग है टाइमिंग गलत है डेटा जो लीक हुआ उसमें डायरेक्टली एयर इंडिया को अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं कर सकते हम काफ़ी बड़े स्केल में हुआ है और सच थिंग्स हैपन डेटा लीक्स होते हैं द पॉइंट इज अभी एयर इंडिया वॉज अप फॉर सेल इसकी सेल करने की कोशिश कर रही है सरकार और अभी डेटा लीक हो गया तो डेटा लीक हुआ तो लिटिगेशन आएंगे जिनका डेटा लीक हुआ कोई ना कोई सू करेगा दिस एयर इंडिया को और फिर वो कोर्ट में जाएगा सेटलमेंट लिटिगेशन इनका इम्पैक्ट पड़ेगा कि एयर इंडिया की जो सेल होनी है उसका वैल्यूएशन पुअर हो जाएगा क्योंकि लीगल रिस्क है एक्सपर्ट से एयरलाइन कुड फेस लिटिगेशन एंड देयर कुड बी डिलेज इन द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने के लिए डील्स आई थी फिर डील्स को और स्वीटन किया गया बट फिर भी कोई बैर मिल नहीं रहा है तो अभी और डिफिकल्टी हो गई नरसिम्हन मैथ साइंटिस्ट आप एम एस नरसिम्हन साहब हैं आपने पद्म भूषण नाइनटीन नाइनटी में लिया था वर्ल्ड रिनाउंड मैथेमेटिशियन एक्स्ट्राऑर्डनरी ब्रेथ एंड डेप्थ फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन था मैथमेटिक्स में

अब जो थर्ड वेव है उसमें ये डर लग रहा है कि कहीं जो छोटे बच्चे हैं वो भी क्या इम्पैक्ट नहीं हो जाएंगे इट विल फोकस ऑन प्रिकॉशंस एंड ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस एंड ट्रीटमेंट बिकॉज अंडर 18 के लिए तो अभी वैक्सीनेशन भी नहीं है ओडिशा गियर्स अप टू फेस साइक्लोन दिस ओडिशा गियर कर रहा है ओडिशा वैसे भी बहुत ट्रबल्ड रहता है बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन अक्सर जो साइक्लोन आते हैं वो ओडिशा इधर अपर आंध्रा वेस्ट बंगाल यहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं बे ऑफ बंगाल में साइकलॉन्स ज़्यादा आते हैं देन ये आई एम ए ने स्टेटमेंट दिया है और ये बात है ओडिशा ट्राइब कॉल फॉर एक्शन टू प्रोटेक्ट ओडिशा ट्राइब्स ये रिस्क पे है जैसे ये डोंगरिया ट्राइब है ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है और कोविड नाइन्टीन का थ्रेट यहाँ पे आ गया है इसके अलावा एक बोंडा ट्राइब भी है वो भी यहीं पे रहती है बोंडा भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये स्मॉल हटमेंट्स होती है इनकी ये खैरापुट ब्लॉक में रहता है इनकी संख्या करीब सात हज़ार है वायरस के स्प्रेड का थ्रेट है और यहाँ पे डोंगरिया ट्राइब है इसमें भी थ्रेट है एक्टिविस्ट ने बोला कि डोंगरिया एंड बोंडा कम्युनिटीज को हेल्प दी जाए टू तो फाइट दिस कोविड नाइनटीन एक्सपर्ट्स यहाँ पे बता रहे हैं कि इनको हेल्प की जरूरत है अब सी पर्टिकुलरली वलनरेबल ट्राइबल ग्रुप इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इस शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी कुछ ट्राइब्स ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलरली वलनरेबल है उनके रहने का तरीका या लाइफ जो मेन स्ट्रीम है उससे इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं है तो वो अभी भी काफी प्रिमेटिव वे में रह रहे हैं लाइफ स्टाइल एंड दिस वे ऑफ लिविंग तो वो कहलाते हैं पर्टिकुलरली वनर ट्राइबल ग्रुप कमीशन था उसने क्रिएट किया था प्रिमेटिव पहले नाम था प्रिमेटिव ट्राइबल ग्रुप मतलब अभी भी बहुत प्रिमेटिव है इनके रहने का तरीका सेपरेट कैटेगरी बताया ये लेस डेवलप्ड होते हैं अमंग द ट्राइबल ग्रुप तो ट्राइबल ग्रुप्स वैसे भी लेस डेवलप्ड है और उसमें भी जो पी वी टी जीज है वो और ज्यादा लेस डेवलप्ड है 2006 में प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के बजाय इनका नाम रखा दिस पर्टिकुलरली वलरेबल ट्राइबल ग्रुप ये करीब 75 ट्राइब्स ट्राइब है इंडिया में जिनको ऐसे आइडेंटिफाई किया है 8.6 परसेंट इनकी पॉपुलेशन है टेलीग्राम ग्रुप में सर्च एक ऑप्शन आता है उसमें आप सर्च करना दिस प्रमिटिव ट्राइब्स पर्टिकुलरली वलरेबल ट्राइबल ग्रुप यू विल गेट वन पीडीएफ बड़ा अच्छा पीडीएफ था सम मंथ्स बैक आई शेयर दैट उसमें ना ये सब ट्राइब्स का एक लिस्ट भी दिया हुआ है और जो इम्पोर्टेंट ऐसी ट्राइब्स हैं स्टेट वाइज वो भी मैं तो have a look. Around है लोक ये सेवेंटी फाइव अराउंड ट्राइब्स हैं आप जिस राज्य से हैं वहाँ अगर ट्राइबल ग्रुप्स हैं तो यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस प्रव दिस पी वी टीजीज इनकी पॉपुलेशन एट पॉइंट सिक्स परसेंट है पी वी टीजीज की कुछ बेसिक कैरेक्ट्रस्टिक्स हैं दे आर मोस्टली होमोजीनस स्मॉल पॉपुलेशन है जैसे ये देखिए बोंडा करीब सात हज़ार है

ये कॉन्फ्लिक्ट था इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हमास मतलब दिस वेस्ट बैंक में वेस्ट नहीं दिस गाजा स्ट्रिप में रहता है हमास यहां पे हमास पे है तो अब सी अब वर्ल्ड के मीडिएटर्स आ गए बिकॉज हमास मतलब गाजा स्ट्रिप मतलब इजिप्शियन टनल्स तो इजिप्शियंस का भी रोल है इजिप्शियंस में भी दिस अभी हौसनी मुबारक गवर्नमेंट चेंज हुआ था देन फिर दिस प्रोसेस इजिप्शियन में भी अभी काफी टर्मोइल चल रहा है यहाँ के भी जियो में बट जो प्रेजेंट यहाँ की अभी गवर्नमेंट है वो फेवर नहीं कर रही है दिस हमास को। सो so इजिप्ट लिए भी ये एक विन रहा है ये, जो पूरा 11 का तो ओवर ये है दिस जनरल यहाँ पे म्यांमार में जो कू चल रहा है इसके भी काफी दिन हो गए श्रीलंका में मैंडर रो अपर श्रीलंका वी नो द नेचर ऑफ चाइना स्लोली एक इकोनॉमिकल कोलोनाइजेशन करने की कोशिश करता है दिस इज वॉट वॉट इज हैपनिंग इन श्रीलंका चाइनाज फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इज डेड सी अब जैसे हम खेती देखते हैं एग्रीकल्चर तो पहले जो एग्रीकल्चर होता था बहुत प्रमेटिव होता था फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता था मतलब एग्रीकल्चर कर रहे हैं बट प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी पुअर तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें हाइब्रिड सीड्स बनाए जो ज्यादा प्रोडक्टिव हो क्लाइमेट रिजाइलेंट हो और फसल ज्यादा आए उतने ही इनपुट में ज्यादा फसल आए फर्टिलाइजर्स मैन्यूर्स इन सब का यूटिलाईजेशन हो तो वो हुआ हाइब्रिड राइस ऐसे ही एक बना बिकॉज चाइना भी काफी गरीब देश रहा है काफी टाइम तक अभी पिछले दस पंद्रह बीस साल में इसका दिस सडन राइज हुआ है अदरवाइज चाइना में भी दिस फूड शॉर्टेज स्टारवेशन फेमाइन ये बड़ा कॉमन चीज था 2004 में आपको ऑनर किया गया था वर्ल्ड फूड प्राइज किस लिए ब्रेक थ्रू अचीवमेंट था डेवलपिंग जेनेटिक मटेरियल टेक्नोलॉजी जो एसेंशियल है हाई इल्डिंग हाइब्रिड राइस वैरायटी जैसे हमारे यहाँ भी ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ किस पे बेस्ड था वो हाई इल्डिंग सीड्स पे हाई इल्डिंग राइस वेराइटी स्पेसिफिकली चाइना का है तो ये हाइब्रिड इन्होंने बनाया था जिसका नाम है नैन नंबर टू ये इन्होंने हाइब्रिड बनाया तो 20 परसेंट ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया तो इसलिए इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है फादर ऑफ हाइब्रिड राइस चाइना में चाइना में राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाइट है देन दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट है फर्स्ट न्यूज है टफ फिश सी अब जैसे हम क्लाइमेट चेंज देखते हैं तो नेचर के लिए क्लाइमेट चेंज वैल्यू न्यूट्रल है एक टाइम था प्लेस्टोस्टीन था एक टाइम था बर्फ ही बर्फ था टेम्परेचर बहुत कम था फिर धीरे धीरे वार्मिंग स्टार्ट हुआ और अभी ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो अर्थ का जो हिस्ट्री है अर्थ का जो हिस्ट्री है इसमें चेंजेस होते रहे और चेंजेस होते हैं तो जो लाइफ फॉर्म है वो भी कुछ लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट होते हैं फिर वो डिसअपियर हो जाते हैं फिर दूसरा लाइफ फॉर्म आता है एक टाइम था डायनासोर्स बहुत ज़्यादा थे नाउ दे आर गॉन तो सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट होता है और सबसे फिट कौन होता है सबसे फिट वो नहीं होता जो बहुत मजबूत है बहुत स्ट्रांग है पावरफुल है ह्यूज है. फिट वो होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में जो एडेपेशन कर पाता है जो समय के साथ खुद को बदल पाता है केवल वो ही सर्वाइव करता है बड़ा बड़े बड़े स्पीशीज आए डायनासोर टाइप एंड दे आर गॉन तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फिटेस्ट मतलब हु हु इज इज तो ये टफ फिश है ये फिश का यहाँ पे देखा ये थ्री स्पाइंड ऐसे करके एक फिश है ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंजेस में खुद को अडेप्ट कर पाती है सिचुएशन बदली आप भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्लाइमेट के हिसाब से चेंज करो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंज क्लाइमेट चेंज इज लीडिंग टू हैबिटेट लॉस बहुत सारी स्पीशीज लॉस हो रही है टेम्परेचर स्विंग हो रहा है तो साइंटिस्ट इस फिश की स्टडी से देख रहे हैं कि कैसे इवोल्यूशन हो रहा है फिशेज कैसे चेंज होती है इवोल्यूशन कैसे होता है ये सब चीजें देख रहे हैं सो द पॉइंट इज क्लाइमेट इज चेंजिंग स्पीशीज केवल वो ही सर्वाइव करेगी जो क्लाइमेट के साथ खुद को अडेप्ट कर पाएगी दिस इज सेलेस्टियल हिस्ट्री अब जैसे हमें सो so, हमारी जो मिल्की वे है मिल्की वे में मतलब जैसे ये स्टार है सन इज अ स्टार ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स है और उस स्टार का जो कॉन्स्टिलेशन है उस स्टार का जो ग्रुप है बड़ा ग्रुप है उसको बोलते हैं दिस गैलेक्सी तो अवर गैलेक्सी इज मिल्की वे मिल्की वे अब एक हिस्ट्री में ऐसा पता चला है पुरानी हिस्ट्री में कि एक और कोई गैलेक्सी थी फिर दोनों गैलेक्सी ऐसे मर्ज हो गई ऐसे करके नेचर एस्ट्रोनॉमी में ये थ्योरी आई है कोविड नाइन्टीन आने वाले टाइम पे कॉमन कोल्ड इन फ्यूचर की तरह हो जाएगा जैसे सर्दी वगैरह होती है बिकॉज वायरस भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद वीकन हो जाए म्यूटेट हो वी डोंट नो बट समथिंग वुड हैपन ये सीरम सप्लाई कोवैक्स का हिट बाय इंडियाज पुअर प्लानिंग थ्योरी दिया हुआ है कोवैक्स क्या है एक अलायंस है अलायंस है यहाँ हमने कमिट किया था कि हम सर्टेन वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे बट हमारे पास खुद की शॉर्टेज हो गई तो कोवैक्स में जो सप्लाई थी वो फॉर टाइमबिंग हॉल्ट हो गया है रीजन बताया जा रहा है इंडिया का पुअर प्लानिंग कोविड नाइनटीन आने वाले टाइम पे कॉमन कोल्ड की तरह हो जाएगा डेकेड में डिक्रीज पॉपुलेशन इम्यूनिटी आ जाएगी हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी ऐसे करके एक थ्योरी है अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है बिकॉज वी डोंट नो आने वाले टाइम पे क्या होगा ये ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप मूड्स वर्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमी व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी अभी जैसे हमने देखा ना गैलेक्सी स्टार्स कुछ लोग अपनी हॉबी में भी लिखते हैं एस्ट्रोनॉमी दिस वाचिंग स्टार ग्रेजिंग बोलते हैं उसे एक फ्रेंड है मेरा इंटरव्यू में साथ गया था उसने लिखा था ये एस्ट्रोनॉमी तो उसको सवाल भी फिर इधर से ही आए थे कि सोलर सिस्टम क्या है प्लूटो पे उससे सवाल पूछ लिए गए थे कि प्लूटो को क्यों हटाया गया प्लान से एटसेट्रा सो दिस इज एस्ट्रोनॉमी कलर पूछा था कि रेड क्यों नजर आता है सुबह और शाम पे आसमान आंसर स्काई ब्लू है बट क्या एक्चुअल में ब्लू है अगर आप जैसे स्पेस स्टेशन देखा हमने वहां से आप अर्थ को देखोगे तो क्या स्काई ब्लू नजर आएगा स्पेस में जो होता है वो ब्लू है स्काई हमारा ब्लू है क्यों है मॉर्निंग और इवनिंग में ये रेड हो जाता है क्यों हो जाता है दिस इज एस्ट्रोनॉमी लाइक दिस तो हम एस्ट्रोनॉमी देख रहे थे द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट स्पेस एंड द फिजिकल यूनिवर्स एज अ होल अपसी एस्ट्रोनॉमी जो चीज़ होती है एस्पेशली अगर हम इसको देख रहे हैं सैटेलाइट्स या फिर हम ये जो बड़े बड़े हमने एस्ट्रोनॉमी के सेंटर्स बना रखे हैं दूरबीन होती है तो इधर कोलेबोरेटिव एफर्ट हो तो बेटर है कोलाबोरेशन की बात है ब्रिक्स कंट्रीज में ब्रिक्स कंट्रीज ये ब्रिक्स कंट्रीज हैं ब्रिक्स कंट्रीज में इनिशिएटिव की बात है एक नेटवर्क बनाए इंटेलिजेंट टेलीस्कोप का डेटा शेयरिंग हो ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल फिन को मतलब कलेक्टिव एफर्ट हो बिग डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग प्रोसेस से वॉल्यूमिनस डेटा जनरेट होगा और उसका हम डेटा क्रंचिंग भी करेंगे कलेक्टिव एफर्ट्स मल्टीवेबलन टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी के थ्रू तो ये अभी है इंडिया अभी ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी में भी है

जैसे शुगर केन डैमेज हो रहा था ऐसे ये भी एक काइंड ऑफ पेस्ट है मोस्ट ऑफ दीज स्पीशीज यहाँ की नहीं है ये कैरेबियन आइलैंड्स की है अमेरिका सेंट्रल अमेरिका तो डिफिकल्ट हो जाता है टू पिन पॉइंट हाउ दे एंटर्ड इंडिया अब जैसे कोई इन्वेजिव स्पीशीज इंडिया में आती है तो उसका कोई नेचुरल एनिमी होगा नहीं इंडिया में बिकॉज ये स्पीशीज यहाँ की नहीं थी तो नेचुरल एनिमी नहीं होगा तो इस पर चेक लगाने वाला कोई भी नहीं है चेक नहीं लगेगा तो इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है इस स्पीशीज का सो so, ये चीज यहाँ पे हो रही है वाइट फ्लाइज में कैन ट्रैफिक नॉइज अफेक्ट बर्ड्स यस बर्ड्स का अपना कम्युनिकेशन होता है जैसे हमने बैट्स देखा था बैट्स वर्क करते हैं दिस सोनार प्रिंसिपल में साउंड नेविगेशन तो सिमिलरली जो बर्ड्स होती है इनका एक पैटर्न होता है मूवमेंट का एक्सेसिव नॉइज़ होता है लाउड नॉइज होता है तो वो डिसरप्ट करता है एबिलिटी ऑफ बर्ड्स टू कम्यूनिकेट एंड इवन मेट इनका मेटिंग सीजन इम्पैक्ट होता है तो वो वलनरेबल हो जाती है तो जो ट्रैफिक नॉइज़ है ये एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट लाता है बर्ड्स की भी हेल्थ में तो ये था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन नेक्स्ट जो है वो है आइडेंटिफाइंग म्यूटेंट्स यहाँ पे बात है म्यूटेंट्स म्यूटेंट्स मतलब जैसे वायरस है वायरस लिविंग भी है और डेड भी है अब बिकॉज लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वायरस भी क्या होता है इवॉल्व होता है तो पहले एक वायरस था उसका कोई डिफरेंट स्ट्रेन बन गया ऐसे अलग स्ट्रेन बन गया तो ये स्ट्रेन बन रहे हैं जो अभी हम बात कर रहे थे ना साउथ अफ्रीका वेरिएंट यूके वेरिएंट वगैरह ये सब अलग अलग म्यूटेशन है जितना टाइम तक वायरस रहेगा ह्यूमन बॉडीज में इंटरेक्ट होगा लार्ज पॉपुलेशन में इंटरेक्ट होगा उतने ही म्यूटेशन होंगे अब वैक्सीन बनी थी एक वायरस के लिए और वो वायरस म्यूटेट होके इट सम अदर फॉर्म में बन गया तो वैक्सीन फिर इनइेक्टिव हो जाती है आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है म्यूटेंट्स का म्यूटेंट्स का तो ये एक बॉडी है ये बॉडी जो है जीनोम सीक्वेंसिंग एटसेट्रा के थ्रू इसका एक टैब रखेगी वायरस के म्यूटेशन पे इस टॉपिक पे भी अभी बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है वायरस के म्यूटेशन जॉब क्राइसिस है सेकेंड वेव ऑफ कोविड नाइनटीन नाउ दिस इज अ फैक्ट जॉब लॉसेस हुए हैं जॉब लॉसेस में भी जो विमेन है उनके जॉब लॉस लॉसेज ज्यादा हुए हैं और फिर वो जॉब रिकवर भी नहीं हो पा रहे मतलब वापस नौकरी नहीं मिल रही है जॉब क्राइसिस इन द सेकेंड वेव ऑफ कोविड नाइनटीन तो फैमिली इनकम कम हुई कंज्यूमर सेंटिमेंट्स कम हुए स्टेज जो है ओवरटी में पुश हो गया और जो इकोनॉमी की रिकवरी हम सोच रहे थे वो रिकवरी अब फिर एक डिस्टेंट ड्रीम बन गया दिस इज द रीजन आई कीप ऑन saying बहुत ज्यादा डेटा में नहीं जाना है बहुत ज्यादा इस टाइम पे थ्योरी पे नहीं जाना है बिकॉज न्यूज अभी सेटल नहीं है कोविड का पैंडमिक वी डोंट नो अभी तो सेकेंड वेव आई थी थर्ड वेव में अगर कुछ हुआ तो अभी की थ्योरीज हैं वो फिर से जीरो हो जाएंगी सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम न्यूज सेटल होने देते हैं राइट right नाउ बस हमें पॉलिसीज देखना है कि अभी हम यहाँ पे पेन जो हुआ है उसको एलिविएट कैसे करें इकोनॉमिक ग्रोथ तो जो भी थ्योरीज थी ना इवन इकोनॉमिक सर्वे में भी क्या क्या गवर्नमेंट मेजर्स ये सेकंड वेव ने बहुत हद तक सारी पॉलिसीज को नल कर दिया है नल एंड वॉइड हो गई है बिकॉज हालात बदल गए तो आर की अभी ये मंथली बुलेटिन आया एक्नोलेज किया कि बिगेस्ट जो टोल हुआ है पैंडमिक की सेकेंड वेव में डिमांड शॉक आया है जिसे पहले हमारी जो भी स्ट्रेटजी थी फर्स्ट वेव में आत्मनिर्भर में हमने सारा ध्यान लगाया प्रोडक्शन पे सप्लाई साइड पे आत्मनिर्भर इनको इंसेंटिव्स दिए कि प्रोडक्शन ज्यादा करें जो कमियां सरकार उसको सब्सिडाइज एक्सेट्रा कर रही है अब जो वेव है तो प्रोडक्शन तो हो गया बट उस जो प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी डिमांड ही नहीं है आप बेचोगे कहाँ पे वो डिमांड अब एक नया चैलेंज आ गया है डिमांड शॉक मोबिलिटी नहीं है लॉकडाउन लग गया है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हो गई है सी आपके पास पैसे थे पैसे लिमिटेड होते हैं अचानक हेल्थ का क्राइसिस हो गया हॉस्पिटलाइज होना पड़ा बहुत खर्चा हो जाता है इधर इतना खर्चा हो जाएगा कि फिर आपको जो दूसरी चीजें है ना वहाँ पे बचत कटौती करनी पड़ जाएगी तो ये चीज हो गया है बिसाइड्स इन्वेंटरी अक्यूमुलेशन चीजें बिक नहीं रही है तो ये एक नया चैलेंज आ गया है यहाँ पे माउंटिंग कंसर्स तो ये पूरा कमेंट्री है कि जो डेली वेज वर्कर्स हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट हुए एम जी नरेगा इसलिए ज़रूरी होता है एम जी नरेगा का सब इतना क्रिटिसिज्म करते हैं बट ये एक सेफ्टी नेट है कि कुछ नहीं तो सौ दिन का एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा आपको सौ दिन का पैसा मिल जाएगा हर एडल्ट मेंबर को रूरल हाउस होल्ड में तो एम जी नरेगा चीज़ ठीक है प्रधानमंत्री जो गरीब योजना है वो भी ठीक है उसमें हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर करा रहे हैं तो ये चीज़ हुआ जीएसटी का भी चैलेंज है अभी देखते हैं जीएसटी डिप लास्ट ईयर की तरह फोर्स मेजर वाली सिचुएशन ना बने तो बेहतर होगा तो द पॉइंट इज दिस इज द टाइम जब हम वेलफेयर पे फोकस करें जैसे कर्नाटका ने इतना वेलफेयर अनाउंस किया इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए आइडेंटिफाई करें फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनोमी की तरफ ज्यादा बढ़े तो जॉब क्राइसिस है और इस जॉब क्राइसिस को एड्रेस करना जरूरी है अब एक और ये थ्योरी है कि चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन करें जो प्रेग्नेंट है लैक्टेटिंग वुमेन है क्या उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए इस पे भी डे बाय डे स्टेटमेंट्स चेंज होते रहते हैं एक्सपर्ट्स के इधर भी यही बताया गया है कि वैक्सीनेशन चिल्ड्रन फॉर टाइम बिंग अभी ट्रायल्स है केवल 18 प्लस को वैक्सीनेशन करना है और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन वैक्सीनेशन ले सकती हैं अभी एक रीसेंट आई ने ये बताया बट अगेन कंसल्ट योर डॉक्टर जो आपका फैमिली डॉक्टर है रेगुलर जिनको सारे चीजें पता है उनसे कंसल्ट करके ही इस केस में यू गो एंड गेट वैक्सीनेटेड ओके देन टिकिंग क्लॉक फॉर चाइनाज टेक जाइंस गवर्नमेंट का विप हो रहा है ट्रेडिंग द मिडिल पाथ ये जो बात है ना ये नॉर्ड स्ट्रीम की है नॉर्ड स्ट्रीम लिफ्टिंग सेंक्शन पाइप लाइन बाइडन सीक्स टू वॉक सी मिस्टर ट्रम्प थे वो काफी ज्यादा लॉगर हेड पे थे एट विद दिस रशिया तो ये एक पाइपलाइन है ये जर्मनी है जर्मनी से ऐसे पाइपलाइन जाती है दिस रशिया में ये रशिया आ गया ये कौन सा सी है बाल्टिक सी है तो दिस इज नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन लाइन वन ऐसे ही एक और पाइपलाइन बन रही है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन टू तो ये जो नॉर्थ स्ट्रीम टू है इस पर सेंशंस लग गए थे कि जर्मनी क्यों यहाँ पे रशिया के साथ डील कर रहा है एट्सेट्रा बट जो बाइडन बिकॉज जियो रियलिटीज भी है जर्मनी के साथ रिलेशंस ठीक रखना भी ज़रूरी है रशिया पे भी बहुत ज़्यादा सेंक्शंस स्ट्रेटजी वर्क करती नहीं है तो ट्रेडिंग द मिडिल पाथ डोनाल्ड ट्रंप के सेंशनस जो बाइडन इज गोइंग ईजी नॉड टू पाइपलाइन है 1230 किलोमीटर की है डबल कर सकती है कैपेसिटी ऑफ चैनल्स ट्रांसपोर्टिंग नेचुरल गैस फ्रॉम रशियन फील्ड टू यूरोप अंडर थू थू दिस दिस थ्रू दिस बाल्टिक सी अब हम आगे देखते हैं दिस इज हीरो मोटर को कॉप ने वापस स्टार्ट किया है दिस फंक्शनिंग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स इन एडिंग स्टॉक मार्केट सर्ज हो रहा है वी में डबल एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में और ये है स्पोर्ट्स का न्यूज सो so, ये था द हिंदू न्यूज हिंदी में हम देखते हैं दो चीजें एक तो फास्टैग है और दूसरा है ई वे बिल सरकार ने इन दोनों को एकीकृत कर दिया गया है ताकि ज्यादा एफिशिएंसी हो जाए इलेक्ट्रॉनिक ई वे बिल क्या होता है ई वे बिल मतलब जीएसटी के तहत एक बिल प्रणाली है जहां वस्तुओं के हस्तांतरण की स्थिति में जारी किया जाता है बिकॉज जीएसटी हमें पता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है एक जगह मैन्युफैक्चर हुआ कंजम्पशन दूसरी जगह पे होगा तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन में जीएसटी ई वे बिल जरूरी होता है 2018 से पचास हजार रुपए से अधिक मूल्य के माल का अंतरराज्यीय परिवहन पर अनिवार्य बना दिया गया था तो इसमें सोने को छूट भी दिया हुआ है ऐसी कीमती चीजों को बट दिस इज ई वे बिल सो दैट जो जीएसटी के प्लग हैं लूप हैं या फिर जीएसटी इवेजन वगैरह है वो भी हम चेक कर पाए ई वे बिल ई वे बिल आता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये जरूरी होता है ये माल परिवहन जीएसटी कानून के अंतर्गत आवाजाही को ट्रैक करने के लिए और कर चोरी टैक्स इवेजन की जाँच सुनिश्चित करने के लिए उपकरण है तो ये था ई वे बिल अब ट्रांसपोर्टेशन भी बाय रोड ही हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन में एक और चीज आती है वो होती है फास्टैग जब रोड्स बनती है तो रोड्स में खर्चा काफी आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होती है तो रिकवरी के लिए जगह जगह ऐसे टोल प्लाजा लगते हैं जिस पे कुछ टाइम तक आपको ये रोड यूज़ करनी है तो उसे चालीस रुपये पचास रुपये से टोल का किराया देना पड़ता है बट किराया अगर आप कैश में दे रहे हो कार्ड स्वाइप हो रहा है तो इट्स अ वेरी टायरजम प्रोसेस लाइन क्यू लंबी हो जाएगी स्लो प्रोसेस है तो उसके लिए हम फास्टैग लेके आए फास्टैग क्या है ये ऑटोमेटिक है टोल शुल्क अपने आप आपकी गाड़ी से आप क्रॉस करोगे उतना पैसा आपका कट जाएगा एक्सचेंज नहीं होगा ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगा वन अदरवाइज क्या होता है कई बार टोल प्लाजा में ऐसे लड़ाइयाँ भी देखने को मिलती है फाइट्स हो जाती है कि सम पीपल से वी आर एंटाइटल्ड वी आर लाइक दिस एंड दैट तो हम टोल नहीं देंगे फिर जो टोल का एम्प्लॉयी है उससे फाइट हो जाता है तो दिस इज़ अ गुड थिंग इलेक्ट्रॉनिक है ऑटोमेटिक है और एफिशेंट भी है दिस फास्ट टैग ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक में काम करता है जैसे मॉल्स वगैरह में भी आर एफ होती है अगर आप कोई क्लोद है तो पहले क्लोध का पेमेंट करें देन उसके बाद काउंटर से निकलेंगे अदरवाइज वहां पे अलार्म भी बजने लग जाती है तो दिस इज आर एफ टैग में आपकी गाड़ी में रहेगा बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होता है लाइन ऑफ साइट पे होता है आपकी गाड़ी से उतना पैसा कट जाएगा जब आप टोल को यूज करोगे ये जो चीज है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करती है तो इन दोनों को अभी एकीकृत किया गया है फास्टैग को और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन को ओके नाउ दिस इज अबाउट सी सेट पहला सवाल इजी था पाई आर स्क्वाच है और टू पाई आर एच है बिकॉज कर्व्ड सरफेस एरिया देखना था हमें सिलेंडर का और ये था वॉल्यूम तो टू पाई आर एच और वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आर आ जाएगा सेवन मीटर ये दोनों गिवन है आर आर एक एक आर बचा बाकी कैंसिल हो गए तो आर इज इक्वल टू टू इधर लाएंगे तो सेवन मीटर इज द आंसर फॉर आर अब आर पता लग गया टू पाई आर एच में आर डालिए तो एच आ जाएगा सिक्स मीटर तो रेशियो टू आर और अपन एच का हो जाएगा सेवन टू थ्री इसका एक बार मैंने कंपाइलेशन भी शेयर किया था इम्पोर्टेंट एरिया वॉल्यूम कोन सिलेंडर स्लैंड हाइट क्या होती है एटसेट्रा मैं उसको एक बार फिर से कर दूंगा फॉर्मुलेज यहाँ पे याद रखना जरूरी है जैसे पाई आर स्क्वायर एच टू पाई आर एच लाइक दैट अब यहाँ पे स्लैंड हाइट निकालनी थी कोन की ये वाली हाइट तो पाइथागोरस लगाते हैं अपन ये ये तो स्लैंड हाइट हो जाएगी दिस दिस सेवन अंडर रूट फाइव टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर एल मतलब स्लैंड का और पाई आर स्क्वायर ये इधर वाले सर्कल का दिस एंड दिस तो टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल एंड पाई आर स्क्वायर आर का वैल्यू पता है एच का वैल्यू पता है एल का वैल्यू पता है पुट इट यू विल गेट द आंसर वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब इतना हो गया तीनों जो क्यूब्स हैं तीन चार पांच के वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब दो तो अगर टोटल वॉल्यूम तो सेम ही होगा बिकॉज जो बड़ा क्यूब है वो इन्हीं से बना है तो बड़े क्यूब का ए क्यूब इज इक्वल टू दो सौ सोलह हो जाएगा छह सेंटीमीटर अगेन रेशियो में आप डाल दीजिए तो यू विल गेट दिस दोनों का टोटल सर्फेस एरिया स्मॉलर क्यूब और लार्ज क्यूब का ये हो जाएगा टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है सिक्स ए स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसे और ऐसे छह साइड है तो सिक्स ए स्क्वायर सो यूल गेट दिस आंसर ट्वेंटी फाइव इज टू एटीन अब आज का सवाल है थर्टी नाइन कैन रिपेयर अ रोड इन डेज वर्किंग आवर्स अ डे ये सवाल हर बार आया है हर साल प्रॉब्लम में आया है इससे मिलता जुलता थर्टी नाइन रिपेयर अ रोड इन अन डेज वर्किंग आवर्स अ डे इन हाउ मेनी डेज विल थर्टी परसेंट वर्किंग सिक्स द वर्क सिंपल सिंपल सिंपलीफाई करिए दोनों को इक्वेट करिए यू विल गेट द आंसर वर्क डन जो होता है एक दिन का लोगों का उससे इक्वेट करिए सिमिलर मिलता जुलता है एक फोर्ट है उसमें प्रोविजन है फूड का डेढ़ सौ मैन का फोर्टी फाइव डेज के लिए आफ्टर टेन डेज मैन लेफ्ट द फूड तो नंबर ऑफ डेज फॉर द रिमेनिंग फूड लास्ट कितना होगा फूड कॉन्स्टेंट है और लोगों का उससे रेशियो इक्वेट करिए यू विल गेट द आंसर थर्ड है रनिंग एट द सेम कॉन्स्टेंट रेट सिक्स आइडेंटिकल मशीन प्रोड्यूस टू सेवेंटी बॉटल्स पर मिनट एट दिस रेट हाउ मेनी बॉटल्स कुड टेन सच मशीन प्रोड्यूस इन फोर मिनट अगेन इक्वेट करिए यू विल गेट द आंसर सो दिस इज सी सेट क्वेश्चन तीन सवाल रोज करिए फ्लुएंसी आ जाएगी काफी कंसिस्टेंसी आएगी ओके ये सॉल्यूशंस थे और ये नॉर्थ स्ट्रीम और ई e वे और आर एफ आई डी टैग ये नॉर्ड स्ट्रीम है जर्मनी टू रशिया आइडेंटिफाइंग म्यूटेंट्स आर बी आई मंथली बुलेटिन जॉब लॉसिस जॉब क्राइसिस दिस इज वाइट फ्लाइज ब्रिक्स का दिस यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी और ये डेटा कलेक्टिव कोलेबोरेशन की बात है Tough fish celestial history, China hybrid rice. This is आज केवल एक ही सवाल है। शुगर केन के बारे में सब कुछ पढ़ना है आज हमें बहुत हाई टॉपिक रहेगा ये प्रिपेयर शुगर केन देन दिस इज साइक्लोन और ये कोविड अपडेट सो दिस इज ट्वेंटी थर्ड ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ